आपने काफ़ी ऐसी पावरफुल रोम कॉम मूवीज़ देखी होंगी जो कि आपको भाई बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर देती है। तो आज अपनी प्रियंका चोपड़ा की एक हॉलीवुड में मूवी देखी है जो कि रोम कॉम पर ही फोकस करती है। बुक माई शो के प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया है। भाई हिंदी लैंग्वेज इसकी बहुत ही पूरे तरीके से डब की गई है और ये मूवी में बहुत ज़्यादा किसेस देखने को मिलते हैं, तो मैं ये मूवी आपको फैमिली के साथ देखने के लिए रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा। लेकिन ये जान लो कि क्या ये मूवी आपके टाइम के काबिल है या नहीं है। बात करते हैं इस मूवी में कहानी फोकस करती है मेरा नाम की लड़की पर, यानी कि प्रियंका चोपड़ा पर, जिसका बॉयफ्रेंड भाई एक हादसे में मर जाता है। तो इसके बाद भाई वो मूव ऑन नहीं कर पा रही, तो स्टोरी फोकस करती है 2 साल बाद जो उसका मरा हुआ बॉयफ्रेंड होता है, तो उस नंबर पर वो हर रोज़ मैसेज करने शुरू कर देती है। वो नंबर एक लव क्रिटिक के पास होता है, तो वो मैसेज उसको पहुंचने लग जाते हैं। तो इसके बाद इन दोनों में केमिस्ट्री बनने लग जाती है। तो इसके बाद खाने में क्या कुछ होगा उसी चीज़ को जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ता है। तो जितना मैंने आपको बता दिया है, यानी कि उस क्रिटिक के पास इसके लव जाने लग जाते हैं, रॉब नाम का बंदा होता है, तो कहानी को आप बहुत ही आसानी से प्रेडिक्टेबल कर लेते हो कि इस मूवी में क्या होने वाला है, इनमें रोमांस चलेगा भाई और एंडिंग किस तरह होगी पूरा कर लेते हो भाई। और इसके बाद इन दोनों की जो कि केमिस्ट्री है भाई बिल्कुल भी आपको फील नहीं होती। मूवी में इमोशनल एंगल डालने की कोशिश की है जो कि बिल्कुल भी फील नहीं होता। एक्टर्स का परफॉर्मेंस आपको दमदार टाइप फील नहीं होगा। प्लॉट तो एकदम बेकार है, यानी कि 2 घंटे लेंथ देखने को मिलती है और मूवी के साथ बिल्कुल भी आप कनेक्ट नहीं हो पाते ना। ऊपर से देखिए भाई जो इस मूवी का कॉमेडी का एंगल है वो भी एकदम बेकार है। ये मूवी भाई पूरी तरह से फ्लॉप हुई है। तो मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि अपना कीमती टाइम इस रोम कॉम मूवी पर बिल्कुल भी जाया मत कीजिए। इस मूवी को रेटिंग देनी हो 5 में से 1 रेटिंग दूंगा। वीडियो करते हैं फिर खत्म। अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।